तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के फोर्थ पार्ट में, जहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे विराट कोहली सर की इस ड्राइंग के फोरहेड को। तो यहाँ पर फोरहेड को किस तरह से कलर करना है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें हर बार जब कलर ड्राइंग करते हैं तो एग्जैक्ट कलर्स जो हैं उनको यहाँ पर मैच करना नहीं होता, बस हम वैल्यूज़ को अच्छे से ऑप्ट कर पाएँ इतना ही यहाँ पर काफ़ी होता है। अगर वैल्यूज़ ये आपके लिए डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है तो मैं आपको आसान वर्ड्स में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, तो ये अगर आपकी ड्राइंग को सेचुरेशन कम करके उसे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करते हो, तो जो हमारी ग्रेफाइट की ड्राइंग्स होती है उस तरह से वो अच्छे से दिखनी चाहिए, मतलब कि जैसे कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट दिखती हैं। तो उस तरह से अगर आप कलर्स यहाँ पर ऐड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपकी वैल्यूज़ अच्छे से रहनी चाहिए, मतलब कि एकदम से कहीं पर डार्क हो गया है, एकदम से कहीं पर लाइट दिख रहा है, इस तरह से हमारे ड्राइंग में नहीं होना चाहिए। बाकी जो स्किन टोन्स हैं वो थोड़ी सी हर आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट रह सकती हैं, उनकी जो प्रेफरेंस होगी। तो किसी को थोड़ी सी वार्म टोन्स पसंद होती है, किसी को कूल टोन्स, तो उस हिसाब से आर्टिस्ट अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ जानबूझकर ये 24 कलर पेंसिल्स का सेट। तो इस तरह के अगर आपके पास सेट हैं तो आपको बस लिमिटेड कलर्स का वहाँ पर यूज़ करके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको वहाँ पर अचीव करने की ज़रूरत होती है। तो यही मैं तो कहूँगा कि स्किल है, अगर आपके पास ज़्यादा पेंसिल्स हैं तो भी आप कम पेंसिल्स में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए शुरुआत में, तो आपको ज़्यादा कलर्स समझ में आएंगे, जो कलर कॉम्बिनेशंस है वो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे शुरुआत में मैं जैसे कहता आया हूँ कि कोई भी आपको जब ड्राइंग करनी हो तो सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेप होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, वो होती है ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो आपकी रेफरेंस इमेज है उसको। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर फोरहेड को ड्रॉ करने के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि फोरहेड में यहाँ पर मेनली आपको थ्री पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे होंगे डार्कनेस के मुताबिक। तो यहाँ पर ये देखिए, ये काफ़ी डार्क पार्ट है यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ तक थोड़ा सा मीडियम डार्क पार्ट है, और यहाँ पर काफ़ी लाइट पार्ट है, यानी हाईलाइटेड पार्ट है, ज़्यादा हाईलाइट्स तो नहीं बोल सकते उसे, पर बहुत ही यहाँ पर कम डार्कनेस है। तो इसी तरह से हमने हमारे यहाँ पर दिखाने की कोशिश करनी है। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर कलर्स को यूज़ करना है वो कलर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ कलर्स हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर फोरहेड को ड्रॉ करने के लिए। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो फिर आपको जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। ये है ग्रास ग्रीन, ये है यहाँ पर अल्ट्रा मैरिन, ये है फ्रेंच रोज़, ये है हेजलनट, ये है एमेथिस्ट, थोड़ी सी पर्पल शेड है यानी कि, ये है रास्बेरी, ये है टोनर ग्रे, ये वॉलनट है, ये येलो ऑकर, ऑरेंज, ये पीच पफ, और ये वाइट। अगर आपके पास ये पेंसिल्स नहीं है, कोई और पेंसिल्स है और सेट है, तो भी आप बस इन पेंसिल को अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए और इसी के हिसाब से, इसी क्लोज जो भी आपके पास पेंसिल्स अवेलेबल होंगी तो उनका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो शुरुआत में हम यहाँ पर जो है डार्क पार्ट है इससे शुरू करेंगे। तो यहाँ पर डार्क पार्ट के लिए हम यहाँ पर ग्रीन, जो ये है ग्रास ग्रीन, या तो ये ब्लू, इससे थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआत करेंगे, फर्स्ट लेयर देंगे हल्के हाथों से। हाँ, यहाँ पर स्किन टोन्स के अंदर भी ग्रीन का यूज़ किया जाता है, ब्लू का यूज़ किया जाता है, पर ये जहाँ पर डार्क आपको शेडोज़ दिखानी है वहाँ पर इसका यूज़ होता है, क्योंकि जब हम उस पर ऑरेंज अप्लाई करेंगे तो ऑरेंज और ग्रीन, या ऑरेंज और ब्लू जो है मिक्स होके डार्क स्किन टोन की तरह वहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, इसके लिए आपने मिस्टेक्स भी करना ज़रूरी है। तो जब आप कलर्स को ट्राई करोगे इस तरह से कि कौन सा कलर मिक्स होकर क्या बन जाता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसके बाद में हम यहाँ पर जो भी आउटलाइंस है उनको अच्छे से पहले डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये उंगली की आउटलाइन है, ये जो लाइन है इसको, तो इसके लिए हम रास्पबेरी कलर या फिर कि वॉलनट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर थोड़ा सा रेडिश जो टोन है इसके लिए हम रास्पबेरी कलर को ऐड करेंगे फर्स्ट लेयर के तौर पे, थोड़ी सी इस तरह से हम फर्स्ट लेयर देंगे। बाद में ज़्यादातर आपको यहाँ पर ऑरेंज शेड दिख रही होगी, तो ऑरेंज शेड के लिए हम यहाँ पर ऑरेंज का यूज़ करेंगे, और फर्स्ट लेयर यहाँ पर हम ऑरेंज की यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ पर आपको हल्का स्किन टोन्स कलर दिख रहे हैं हल्के हल्के, तो यहाँ पर हम इस हेज़लनट कलर का भी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लेयर में हमें बस ऑरेंज और हेज़लनट कलर का ही यूज़ करना है, तो यहाँ तक आपने इस तरह से कर लेना है। और ये जो डार्क आपको यहाँ पर पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ये पर्पल कलर की शेड, जो कि एमिथिस्ट कलर है,
इससे हम यहाँ पर जो भी ये पार्ट है इसको हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ध्यान में रखिएगा बिगिनर्स के लिए खासतौर पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो बहुत ही गंदा यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, पैचेस मिल सकते हैं आपको। तो काफ़ी हल्के हाथों से, एकदम जैसे कि आपकी पेंसिल ग्लाइड कर रही हो, अगर आपको हल्के हाथों से यानी लाइट प्रेशर के साथ कलर करना नहीं आता तो आप पेंसिल को क्या कीजिएगा, तो अपने टिप से ज़्यादा डिस्टेंस पे यहाँ पर होल्ड कर लीजिएगा। जितना आप डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ाओगे यानी जितने आप ऊपर तक पकड़ोगे तो आपका जो प्रेशर है वो कम रहेगा, और जितना आप यहाँ पर क्लोज पकड़ोगे तो उतना प्रेशर आपका जो है इंक्रीज़ होगा। तो एक टिप है, और उसके साथ ही पेंसिल्स का जो आपको टिप है वो शार्प रखना है, बार बार आपने इसे शार्प कर लेना है, जो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बिगिनर्स इसे मिस कर देते हैं। तो ब्लंट नहीं रखना है, काफ़ी आपने इसे शार्प रखना है। और उसके साथ साथ ये बार बार ब्लंट ना हो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो इसके लिए आप जब कलर करोगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे रोटेट करते रहिए, इस तरह से आप जब रोटेट करोगे तो ज़्यादा आपको बार बार शार्प नहीं करना पड़ेगा। शार्प तो हमें करना है, इसे शार्प रखना है, पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल जाएगा इसकी शार्प टिप के साथ। बाद में जो कि अगली लेयर है वो हम पीच कलर की ये जो पेंसिल है उससे हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर देंगे। ये भी हमने थोड़ा सा मीडियम प्रेशर का ही यूज़ करना है, ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम प्रेशर नहीं देना है। और जहाँ जहाँ पर फिर से आपको थोड़ी सी रेडिश टोन कम दिखा रही होगी वहाँ पर फ्रेंच रोज जो है कलर पेंसिल इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर थोड़ी सी जो रेडिश टोन है उनको ऐड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये टोन्स और ये टोन्स यहाँ पर मिल जाएंगी, जहाँ पर ये थोड़ा सा हाइलाइटेड पार्ट है इसे आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, वहाँ पर बस आप पीच कलर के पेंसिल को अप्लाई कीजिए। उसके बाद में हल्का हल्का हमने यहाँ पर फ्रेंच रोज कलर को यहाँ पर अप्लाई करना है सेकंड लेयर के तौर पे। और बाद में आप उसके बाद में अगेन फिर से क्या कीजिएगा, तो अगर हल्की आपको कहीं पर बस थोड़ी सी शेडोज़ दिख रही है, यहाँ पर ज़्यादा वैसे शेडोज़ नहीं है, तो उसके लिए आप इस हेज़लनट कलर की पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। हेज़लनट कलर पेंसिल से आपने वहाँ पर अगली लेयर चलानी है, और फिर से थोड़ा सा आप ब्लेंडिंग के लिए वाइट कलर की पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप आखिर में पीच कलर की पेंसिल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यही कुछ हमने प्रोसेस यहाँ पर करनी है जिसको हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम यहाँ पर कलर करेंगे इनकी सनग्लासेस को, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने हेयर को ड्रॉ किया था तो इन्हें कलर करना रह गया था। तो शुरुआत में हम यहाँ पर हेज़लनट कलर की फर्स्ट लेयर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उसके ऊपर जहाँ जहाँ पर आपको डार्क दिख रहा है वहाँ पर हम वॉलनट कलर की पेंसिल से उसे डार्क करेंगे, और आखिर में उसे ब्लेंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे येलो ऑकर को, और जहाँ पे आपको थोड़ी सी हाइलाइट्स दिख रही हैं उसे ऐड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वाइट कलर की पेंसिल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आउटलाइंस को डिफाइन कर लेंगे, और बाद में जो डार्कर शेड्स हैं उन्हें दिखाने के लिए हम यहाँ पर ब्लू और ग्रीन कलर की पेंसिल्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जहाँ जहाँ पर रेडिश टोन है वहाँ पर रास्पबेरी कलर को हम अप्लाई करेंगे, और बाकी जगहों पे फर्स्ट लेयर के तौर पे हम यूज़ करेंगे ऑरेंज कलर के पेंसिल का। कलर्स की शेडिंग के लिए अगर हो सके तो आप सर्कुलर मोशन का यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर अचीव करने में मदद होगी। फाइनल ब्लेंडिंग के लिए पीच कलर की पेंसिल का यूज़ करेंगे हम थोड़े से ज़्यादा प्रेशर के साथ। फोरहेड पे जहाँ पे हेयर के रूट्स थोड़े से विजिबल हैं वहाँ पर आप टोनर ग्रे कलर की पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, बाकी जगहों पे बस अब पीच कलर और पिंक कलर से ही आप बाकी की लाइट स्किन टोन्स को अचीव कर सकते हो। फाइनल ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर वाइट कलर और पीच कलर की पेंसिल से आप मीडियम प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग कर सकते हो, और आखिर में हाइलाइट्स के लिए आप वाइट कलर की पेंसिल और वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी तो मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। वैसे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना सब कुछ बिल्कुल फ्री है, फिर भी अगर आप ना ही कर पाए तो चलिए कोई कम नहीं, मगर यकीन मानिए आपका एक एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन से कम नहीं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ये सोचकर मत रहिएगा कि मेरे एक लाइक से क्या होगा, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आप कुछ मुझे सजेशंस देना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हम बहुत ही करीब हैं हमारा फर्स्ट माइलस्टोन 1000 सब्सक्राइबर्स का पूरा करने के लिए, तो आई होप आप मेरी इसमें मदद कर दोगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। Keep drawing.
टेक केयर।